जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज से साधक ने प्रश्न किया, महाराज जी सबके लिए सुगम और सर्वोत्तम मार्ग क्या है भगवान को पाने का? महाराज जी कहते हैं, नाम जप करना सबके लिए सुगम और श्रेष्ठ है। महाराज जी नाम जप में रुचि कैसे हो? महाराज जी कहते हैं, रुचि होना ही कठिन है। रुचि हो जाने पर तो भजन छूटता ही नहीं। विषय सेवन का अभ्यास अनेकों जन्मों से पड़ा हुआ है, वह धीरे धीरे बदलेगा, इसलिए उत्साहपूर्वक नाम जप करते रहना चाहिए, इससे उबने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण कीर्तन क्यों करना चाहिए? महाराज जी कहते हैं, श्री कृष्ण हमारे प्यारे हैं, इसलिए उनका कीर्तन करना चाहिए। प्यारे का नाम लेना हमारी न छूटने वाली आदत है, इसलिए प्यारे के नाम का जप, कीर्तन और उसका गुणानुवाद किए बिना रहा ही नहीं जाता। यह भक्तों का मानव स्वभाव ही है। इसके लिए भले ही उनकी कोई निंदा करे, यह एक नियम भी है कि जिस प्रकार बनिए से व्यापार किए बिना नहीं रहा जाता, कामी से स्त्री का कीर्तन किए बिना नहीं रह जाता, किसानों से खेती किए बिना नहीं रह जाता, इसी प्रकार भक्तों से श्री कृष्ण कीर्तन किए बिना नहीं रह जाता। साधक ने प्रश्न किया, महाराज जी जो लोग लज्जा और संकोच छोड़कर कीर्तन करते हैं उन्हें बहुत आदमी तो ढोंगी बताते हैं। महाराज जी कहते हैं, बताने दो ढोंगी, भोरे को तो रस चूसने से काम है। जो तमोगुणी होते हैं उन्हें ही भगवान नाम कीर्तन में लज्जा आती है। साधक ने प्रश्न किया, क्या कीर्तन करने से ध्यान स्थिर रह सकता है? पूज्य महाराज जी कहते हैं, कीर्तन भी ध्यान ही है। भगवत भक्त को भगवान का किसी भी प्रकार भजन चिंतन करने से आनंद आ जाता है। भगवान को याद करना और इस जगत को भुलाना, यही हमारा लक्ष्य है। कीर्तन करो, कीर्तन से थक गए हो तो जप करो, जप से थक जाओ तो स्वाध्याय करो, और स्वाध्याय से भी थको तो ध्यान करो, और ध्यान से भी थक जाओ तो भगवत चर्चा करो। समय को व्यर्थ बातों में नष्ट न करो, हर समय भगवान का चिंतन करते रहो। महाराज जी, कीर्तन में झांझ पीटने से क्या पुण्य होता होगा? महाराज जी कहते हैं, यदि पुण्य नहीं होता होगा तो पाप भी तो नहीं होता। जब तुम सुल्फा, बीड़ी, तंबाकू आदि का सेवन करने और ताश खेलने को बुरा नहीं मानते तो इसी को क्यों बुरा मानते हो? कुछ न करने से तो यह अच्छा ही है। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसी दस हूँ। महाराज जी, श्री कृष्ण कीर्तन करने से क्या लाभ है? महाराज जी कहते हैं, श्री कृष्ण कीर्तन से साधक को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं, और उन सिद्धों को जिन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो गए हैं अपने प्यारे के नाम लेने में परम आनंद आता है, परम आनंद आता है। महाराज जी, संकीर्तन उत्सवों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? महाराज जी कहते हैं, मैं तो कहता हूँ कि हरि नाम संकीर्तन हरि नाम में आसक्ति होने के लिए ही होना चाहिए, भगवान के दर्शन या किसी अन्य हेतु से नहीं। महाराज जी, तो क्या भगवान नाम में आसक्ति होना भगवत दर्शन से भी बढ़कर है? महाराज जी कहते हैं, हाँ अवश्य बढ़कर है। भगवान नाम में आसक्ति हो जाने के बाद दर्शन हो चाहे ना हो, साधक को परवाह नहीं रहती। उसको दर्शन देने के लिए तो भगवान तैयार ही रहते हैं। जय श्री राधे।